हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं सुसाइड स्क्वाड के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर देना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग एपिसोड या वीडियो को मिस ना करें। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को बताया जाता है कि 500 साल पहले एक रेवोल्यूशन हुआ था जिसमें एंडरसन जो पूरी तरह से फेल हो गई थी, और उसकी वजह से जितने भी गॉड एंडरसन के ग्रुप में थे या फिर जो भी उसके साथ दे रहे थे या भी उसके अलायंस में थे वो सब के सब मारे गए थे या फिर इधर से उधर बिखर चुके थे। उनमें से ईडन जो था वो भी एक गॉड, और ईडन जो था काफ़ी एक्सेप्शन था क्योंकि ऐसा बोला जाता था कि ईडन ने एंडरसन को धोखा दे दिया और वो जिंदा बच गया था, और उसके पास एक ऐसा स्किल था जो कि अलायंस की काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती, इसलिए अलायंस ने उसको जिंदा छोड़ दिया था। और इन सबसे एक चीज़ तो जरूर ये साबित हो गया था कि उसने मतलब कुछ भी करके खुद को सर्वाइव करने में हेल्प कर लिया, मतलब वो सर्वाइव कर गया था उस रेवोल्यूशन के बाद भी, और वो अभी भी जो मेटावर्स है उनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड में से एक माना जाता है। और दूसरे गॉड के तरह डिस्ट्रॉय हो जाने के बावजूद उसके पास अभी भी पावर है, वो एक हाई रैंकिंग गॉड कहलाता है। साथ ही वो जो एंडन होता है बोलता है कि क्या तुम एंडरसन के न्यू अवतार हो, लेकिन ऐसा अवतार वो प्रीफर नहीं करते थे, वो हमेशा लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहती थी। जवान बोलता है कि तुम वो जिसने पूरी पूरी जो विलेज है उसको पपेट बना दिया, तुम इन सारे लोगों को वापस इंसान बना दो वरना तुम्हारे साथ जो होगा वो तुम भी सह नहीं पाओगी। और साथ ही अपने स्वॉर्ड को सामने करते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। जो रेचल यंग होती है बोलती है कि तुम्हारे पास स्प्रिट काफ़ी अच्छा, तुम लड़ने के लिए हमेशा उतावले रहते हो लेकिन तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है, तुम मुझे हरा नहीं सकते। मैं काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस को पार कर सके, पिछले 2000 साल से यहाँ पे जिंदा हूँ और कोई भी मुझे अभी तक हरा नहीं पाया, और इन सारे टाइम में मतलब 2000 टाइम में मैंने तुम्हारे जैसे बहुत सारे बंदे को देखा और उन सबको हराया। साथ ही अपने एक स्पेशल एबिलिटी जिसका नाम क्रॉस आई यानी ईगन कार्ड का स्टोरी होता है, क्रॉस आई उसको यूज करना स्टार्ट कर देती, और स्टोरी के हिसाब से उस क्रॉस आई के हिसाब से ईडन का एक यूनिक स्टोरी होता है जो कि गॉड ऑफ विदाउट अवतार है। वो एबिलिटी के अंदर जिस बंदे को भी देखती है उसका स्टेट उसके पास आ जाता है कि उसके पास कितने फॉलोअर है, उसके कितने अवतार रह चुके हैं। और उसके बाद ये जो ईडन का एबिलिटी है यानी क्रॉस आई है, इसके मदद से वो उस बंदे को अपना पपेट बना सकती है और वो बंदा इसका पपेट बन जाता है। लेकिन वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, चलिए होती है जवान की तरफ देखती है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नंबर को देख बोलती है अचानक से ये वैल्यू क्या है। साथ ही वो बोलती है एंडरसन तुम यहाँ पे इस जगह पे किसको लेके आ गई हो। विद्यार्थी जवान जो होता बोलता है कि तुम वो ना जिसने मेरे थ्रस्ट को रोका था, मतलब सिक्स फ्लोर पर जिसने इसको थ्रस्ट को रोका था वो यही होती, बोलती कि तुम्हारा थ्रस्ट। साथ ही वो जवान जो होता है उसकी स्वॉर्ड जो होता है उसकी तरफ दिखता है और बोलता है कि तुम्हारी जो शमशीर है उसके ऊपर स्क्रैच को देखो, ये तभी हो सकता है जब तुम मेरे थ्रस्ट को रोकने की कोशिश कर रही थी और ये मेरे थ्रस्ट का ही नतीजा है। वो बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। साथ ही जवान बोलता है कि एंडरसन तुम यहाँ पर अच्छे से जागे रहना और इस फाइट को आराम से इंजॉय करना, मैं इसको तुम्हारे सामने मारूंगा उसके बाद सेवन फ्लोर के ऊपर जाऊँगा। साथ ही अपने स्वॉर्ड को सामने करते हुए अपना जो स्टैब होता है उसको करने की कोशिश स्टार्ट कर देता है। एक ज्योति जवान को बोलती है कि तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो, वो भी वर्ल्ड पावर का यूज करते हुए, काफी सालों बाद कोई ऐसा बंदा मिल रहा है जो कि वर्ल्ड पावर को यूज करके मेरे साथ फाइट करना चाहता है, ये फाइट तो काफी ज्यादा मजेदार इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही वहाँ पे दिखाते हैं चर्च के बाहर जो होता है काफी ज्यादा एनर्जी जो होती रिलीज हो रही थी जो कि रेचल यंग की एनर्जी होती है। जवान जो वो रोनाल्ड को बोलता है कि रोनाल्ड जल्दी से यहाँ से भाग जाओ क्योंकि इस अगर अटैक के अंदर तुम आ गए तो तुम मारे जाओगे। रोनाल्ड बोलता है ठीक है सर, और साथ ही वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। रेचल यंग बोलती है कि क्या तुम यहाँ पे बस बातें करने वाले, तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं करने वाले, क्या तुम डर गए कि तुम्हारा अटैक जो मैं फिर से ब्लॉक कर लूँगी और तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। तभी वो पीछे की तरफ मुड़ के देखता तो जितने भी पपेट्स होते या फिर लोग होते वो लोग वहाँ से जा रहे होते, और ये देखने के बाद जो लड़की होती वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती क्योंकि जवान जो होता है अपना अटैक जो होता है उसके ऊपर करने लगता है। बोलती है ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, ये तब तक का वेट कर रहा था जब तक कि सारे लोग यहाँ से भाग नहीं जाएंगे। जवान जो होता अपना स्टेप वाले एबिलिटी को यूज करना स्टार्ट कर देता है, वहाँ पर दिखाते बहुत सारे स्टेप को करने लगता है। ये देखने में लड़की काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और बोलती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने सोचा था ये सिंगल शॉट मेरे ऊपर अटैक करेगा। वो बोलती रुक जा रुक जाओ, जो एक सेकंड के लिए रुक जाओ, मैंने कहा एक सेकंड के लिए रुक जाओ, लेकिन जवान नहीं रुकता और उस पर ऊपर अटैक कर देता। बोलती कि मैंने तुमसे कहा ना कि एक सेकंड के लिए रुक जाओ। जवान जो था अपना वर्ल्ड थ्रस्ट सेवन कंसेक्यूटिव शॉट्स जवान की स्टोरी मतलब अपना स्टोरी लाइन को यूज करते हुए सेवन कंसेक्यूटिव वर्ल्ड थ्रस्ट को उसके मार देता और सातों के सातों जो वर्ल्ड थ्रस्ट होते हैं सीधा सीधा रेचल यंग के ऊपर जाके गिरने लगता है। वहाँ पे दिखाते एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता और वहाँ की जो बिल्डिंग होती है टूट जाती है, चारों तरफ तबाही तबाही हो जाता है। फाइनल वहाँ पे दिखाते रेचल यंग ने एक शील्ड बना के खुद को प्रोटेक्ट किया होता है। बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो अपना क्रॉस आर्मर जिसका नाम एडन कार्ड का स्टोरी के अंदर क्रॉस आर्मर होता है उसको यूज करके खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है। जवान बोलता है कि मेरा नाम जवान है। बोलती कि ये एक डिजास्टर है। जो एंडरसन होती है बोलती कि जवान शांत रहना, अच्छे से यहाँ पे फाइट करना क्योंकि ईडन ऐसे ही किसी फॉलोअर का नाम नहीं पूछता। वो जब किसी का नाम पूछता है इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें अपना पपेट बनाना चाहता है और वो तुमसे अब काफ़ी हार्ड फाइट करेगा। साथ ही एंड जो होता है फिर से बोलता है एंडरसन तुमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल अवतार को मेरे लिए यहाँ पे ढूंढ के लाया, मैं इसको अपना अवतार बना लूँगा। जवान बोलता है कि मैं इसका अवतार नहीं हूँ। बोलती क्या तुम इसके अवतार नहीं हो, लेकिन तो फिर तुम कौन हो। जवान बोलते कि मैं उसका एक दोस्त हूँ, मैं उसका एक कॉमरेड
वो बोलती कॉमरेड। जो एडन होता है हंसना स्टार्ट कर देता है, बोलता है कि एंडरसन एंडरसन तुम्हारे पास अभी भी कॉमरेड है, तुम्हारे पास अभी भी दोस्त है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मैंने तो सुना था जितने भी तुम्हारे दोस्त थे कॉमरेड थे सबके सब 500 साल पहले जो बैटल हुआ था उसमें हार चुके थे, मारे गए थे, तो ये बंदा कैसे बच गया। हर एक बंदा जो भी तुम्हारा साथी था, जो भी तुम्हारा दोस्त था कॉमरेड था, सबके सब मारे गए थे। एंडरसन बोलती है कि ये 500 साल पहले भी पागल था, ये अभी भी पागल ही। साथी जवान बोलता है कि ऐसे पागल नहीं, यहाँ बस एक्टिंग कर रहा है कि ये पागलो जैसी है। एंडरसन बोलता है क्या। साथी जवान बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं इसके ऊपर थ्रस्ट कर रहा था तो इसने सारे एग्जिट को ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से जितने भी लोग हैं पपेट है वो लोग यहाँ से भाग सके और उन लोग की जान बच जाए। मुझे नहीं पता कि रीजन क्या है, लेकिन फिर भी ये सारे पपेट को बचाना चाहता है। साथी जवान जो होता है इस तरह बढ़ता है, बोलता है मुझे नहीं पता तुम यहाँ पे ऐसे बेकार से चीज़ें क्यों कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये जो वर्ल्ड पूरी तरह डिसअपीयर हो चुका है। अब तुम्हारे कोई भी चीज़ करने से वापस नहीं आने वाला, भले तुम फेक क्रिएटर फेक फॉलोवर कुछ भी या पपेट बना लो, लेकिन ये वर्ल्ड जो वापस नहीं आने वाला। एडन बोलता है कि तुम्हें इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सारे प्रेयर जो एकदम रियल हुआ करते थे, एक टाइम पे रियल हुआ करते थे। साथी जवान को अपने जो टावर ऑफ नाइटमेयर उसकी बात याद आने लगती है, जो सील होती है, बोलती है कि एक दिन ऐसा आएगा जो कि सब लोग कहेंगे कि हम लोग जो भी उन सबको कहानी सुना रहे वो सब झूठ है। ये टावर जो फाइनल यहाँ पे अर्थ पे अपीयर हुआ था, अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया था, कुछ लोग थे जो कि पास्ट में वापस गए थे और वो लोग हम थे। यूनान बोलता है कि हाँ ये सब के सब चीज़ जो है वो नॉवल में हुआ करते हैं और ये सब पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा। सियोर बोलती है कि हाँ हमारी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि हम लोग ने इन सबको एक्सपीरियंस किया है। जो यूनान बोलता है कि हाँ अगर ऐसा भी हुआ तब भी हम लोग वहाँ पर जाएंगे और हम लोग को वो बातें याद रहेगी। जॉन बोलता है कि यूनान और सियोल जो कि मेरे साथ उस टावर ऑफ नाइटमेयर में गए थे, वो लोग हंसते हुए सब बोल रहे थे कि उन लोग को सारी बातें याद रहेगी और वो लोग ये कहानियाँ सबको सुनाएंगे, लेकिन वो लोग भी सब कुछ भूल चुके कि हम लोग के साथ टावर ऑफ नाइटमेयर में क्या हुआ। चूँकि मैं एक लौता हूँ जिसके पास मुझे वो सब याद है कि हमारे साथ ट्यूटोरियल कल्टिवेशन में क्या हुआ था और मैं अभी तक यहाँ पे जिंदा हूँ, मैं ही हूँ जिसने उस टावर के एंड को देखा है, इसलिए मुझे यहाँ पे अच्छे से फाइट करना होगा। और उस टाइम जब हम लोग फाइट कर रहे थे तो अपने जाओ को दाव पे लगा के हम लोग फाइट करते थे ताकि हम लोग अपने जो बाकी के लोग हैं उन सबके प्रेजेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, और वो सारे चीज़ जो है अभी उस पूरी की पूरी दुनिया से तबाह हो चुका है। और अगर ईडन को भी वो सब बातें याद है जो कि 500 साल पहले हुआ था, इसका मतलब ये भी है कि ये भी उसी तरह मेरे जैसे यहाँ पे आया है। हो सकता है कि ये इस वर्ल्ड को छोड़ नहीं पाया। ईडन को भी अभी भी वो सारे बातें याद है जो कि 500 साल पहले हुआ था, इसका मतलब इसीलिए ये इस जगह को इस प्लेस को नहीं छोड़ पा रहा है क्योंकि इसके साथ ही इसका इमोशनल काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन था। साथ ही जो ईडन होता है जवान से बोलता है कि तुम इन सब के बारे में नहीं समझोगे क्योंकि ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसको कोई इंसान ह्यूमन आराम से समझ सके। अगर तुम सच में एंडरसन के साथ ही हो तो तुम्हें पता होना चाहिए और तुम्हें इन सबको मेरे सामने प्रूव करना होगा। साथ ही अपनी और ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और अपना स्पेशल एबिलिटी को यूज करना स्टार्ट कर देता है। जान बोलता है कि रोनाल्ड भागो यहाँ से, रोनाल्ड भागो। रोनाल्ड जो था वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है और रेचल यंग जो होती है अपने पावर को सामने की तरफ रिलीज करती है और अपना सैनिटरी डिप्लॉयमेंट जिसका नाम क्रॉस ग्रेव होता है उसको यूज कर देती है। पूरी की पूरी एरिया में उसकी एनर्जी फ्लो करना स्टार्ट हो जाती है। जवान जो होता है पीछे की तरफ ढकला जाता है। एंडरसन बोलती है डैम इट, इसने अपने सैनिटरी को यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया, हम लोग क्या करेंगे। जवान को दिखाते पूरी बॉडी में जो होते हैं अलग से जो ग्रेप से मतलब बहुत होते हैं मतलब कुछ भी कह सकते हैं, वो लोग पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और जवान जो था पीछे की तरफ देखता था उसके सारे दोस्त लोग उसको पकड़ रहे थे, बोलते हेल्प मी प्लीज़ अकेले बचा, हम लोग को भी बचा लो। वहाँ पर यूनान कैमान और जितने भी उसके साथी होते हैं अभी तक मिले होते हैं वो सब वहाँ पर आ रहे होते हैं और उसको बचाने के लिए बोल रहे होते हैं। जवान बोलता है ये सब ऐसा कैसे हो सकता है। रेचल यंग जो था उससे बोलती है कि सब मेमोरी जो कि तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, जितने भी लोगों को तुम प्यार करते हो वो सब के सब यहाँ पे आए हैं और वो लोग तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे और तुम इन सबके साथ मर जाओगे। और साथ वहाँ पर वो लोग दिखाते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग की मदद करो जवान, प्लीज हम लोग को प्रोटेक्ट करो, हम लोग को अकेले छोड़ दो मत, जब प्लीज जवान हम लोग को बचा लो। अच्छी सा जो एपिसोड था ये पेन हो जाता है। तो अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।